डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अनुपात से। आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिखाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्पेशली यहाँ बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले उन फंक्शन का निकालना सीखेंगे जिन फंक्शन में हमारे पास जो फ्रैक्शन जो होते हैं, यानी पी अपॉन क्यू की जो फॉर्म होती है वो हमारा प्रॉपर फॉर्म हो। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास वो कहलाते हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और उसमें हम डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करके उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे करने के बाद ही हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्शल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शल फ्रैक्शन। लेकिन अभी मैं आपको फिर से यहाँ रिपीट कर दूँ, यहाँ पर केवल आपका लीनियर फैक्टर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लीनियर फैक्टर बना सकते हैं। देखने में कई क्वेश्चन ऐसे भी लगते हैं जो लीनियर फैक्टर में नहीं है, लेकिन उसे लीनियर फैक्टर में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहले हमें बात करेंगे कि कुछ हम आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं किस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कहीं पर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी लिखाता है तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं, दिस इज एक्स माइनस ए एंड बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से उसे लिखा जा सकता है। ऐसे हमारे पास होता है कि अगर मान लो अगर मेरे पास पी एक्स प्लस क्यू मेरे पास अगर होता है तो हम उसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए दिस इज एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी, और इसको हम यहां लिख पाएंगे दिस इज ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड बी अपॉन एक्स माइनस सी और सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, दिस इज स्मॉल सी एंड अब इस कैपिटल सी। तीसरा फॉर्म मेरे पास इसमें आ सकता है कि हमारे पास ऐसा हो सकता है कि पी प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स माइनस बी की फॉर्म में है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमारे पास आता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सी अपॉन एक्स माइनस। तो हम इन तीन क्वेश्चंस को हम पहले इस टाइप के तीन क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको और भी प्रॉपर्टी बेस्ड हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है पी स्क्वायर प्लस टू पी माइनस थ्री अपॉन पी पी माइनस थ्री और पी माइनस टू। ताकि बच्चों अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको इन जनरल हम देखते हैं कि पहले हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है। तो इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर की डिग्री मेरे पास टू है और डिनोमिनेटर की डिग्री मेरे पास थ्री है, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है प्रॉपर फॉर्म में ऑलरेडी हमें दे रखा है। हमें बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करना। तो अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन को अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको बेसिकली यहां पर लिखूंगा मैं दिस इज ए अपॉन पी एंड दिस इज बी अपॉन पी माइनस थ्री और दिस इज सी अपॉन पी माइनस टू, और फिर यहां पर हम कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकालूंगा। लेकिन मैं आपको यहां पे एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि इन ए बी सी की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम एज इज लिखें, दिस इज पी पी माइनस थ्री एंड पी माइनस टू।
तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर इसका हम इसका निकालेंगे इनवर्स। तो हम कर क्या रहे कि जो हमें ए निकालना है, ए के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, पी है, तो हम पी के लिए क्या करेंगे, पी को कर देते हैं कवर, पी को हम क्या कर देते हैं कवर। कवर करने से मतलब मेरे पास जो होता है जिस वैल्यू को मैंने कवर किया हुआ है उस वैल्यू को हम जीरो के इक्वल रखते हैं। क्या करते हैं हम उस वैल्यू को हम जीरो के इक्वल रखते थे, रखने से हमारे पास क्या होगा, उस जैसे उस वैल्यू को हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो जो भी हमारे पास p की वैल्यू आएगी उस p की वैल्यू को हम रिमेनिंग टर्म्स के अंदर रख देंगे। अभी हम केवल p की वैल्यू कवर करेंगे, ओके, तो p इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो उस p इक्वल टू जीरो को हम इसमें इसमें और इसमें रख देंगे। कितना आएगा मेरे पास, दिस इज जीरो जीरो माइनस थ्री, दिस इज जीरो माइनस थ्री एंड जीरो माइनस टू। अब जो भी हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास कैपिटल ए कहलाएगी। अब सेकेंड में हमने क्या करा, सेकेंड फैक्टर हमारे सामने है पी माइनस टू, क्या है पी माइनस थ्री। अब पी माइनस थ्री को हमने कवर किया, तो पी माइनस थ्री को अगर हम कवर करेंगे तो क्या होगा, पी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि आपको क्या मिलेगा, पी इक्वल टू थ्री मिलेगा। उस पी इक्वल टू थ्री को हम इसमें इसमें और इसमें रखेंगे, मतलब जिससे हम निकाल रहे हैं उसमें नहीं रखना, उसके अलावा जो भी टर्म है पी की उस सब के अंदर हमें वो चीज रख देनी है। तो हमने रखी वैल्यू को, कितना मिलेगा हमारे पास, दिस इज थ्री स्क्वायर टू इंटू थ्री माइनस थ्री, दिस इज थ्री एंड दिस इज थ्री माइनस टू। ओके, अब हम क्या करते हैं, थर्ड वैल्यू को कवर करते हैं। थर्ड वैल्यू मेरे पास है पी माइनस टू। अब पी माइनस टू को अगर हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा, पी इक्वल टू रखेंगे ऊपर, कितना मिलेगा आपको, दिस इज टू स्क्वायर प्लस टू, टू माइनस थ्री एंड दिस इज टू एंड टू माइनस थ्री। ओके, अब हम देखें क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, जैसे माइनस थ्री, माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल हुआ तो बचा कितना, माइनस टू, यानी कि मेरे पास कमाई वन अपॉन टू पी। सेकेंड की बात करें, नाउ दिस इज सिक्स, दिस इज नाइन, नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन में से थ्री गए हमारे पास कितना बचा, ट्वेल्व, ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री यानी कि फोर, ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री यानी कि फोर, और दिस इज फोर अपॉन पी माइनस थ्री। थर्ड की बात करें, दिस इज फोर, फोर प्लस फोर एट, एट माइनस थ्री फाइव, फाइव डिवाइडेड बाय टू यानी कि फाइव बाय टू, दिस इज माइनस वन यानी कि माइनस फाइव बाय टू, यानी कि मेरे पास कितना है, दिस इज पी माइनस टू। तो हमने देखा कि बड़ी आसानी से हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की निकाल सकते हैं, बशर्त ये है कि आपका डिनोमिनेटर का जो फैक्टर हो वो लीनियर हो। ठीक है, क्या हो, लीनियर हो। अब आराम से इसका लाप्लास, इनवर्स लाप्लास निकाला, देयरफॉर हमने इसका इनवर्स लाप्लास निकाला, दिस इज पी स्क्वायर प्लस टू पी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय पी एंड दिस इज पी माइनस थ्री एंड दिस इज पी माइनस टू इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू लाप्लास इनवर्स वन अपॉन पी प्लस फोर लाप्लास इनवर्स वन अपॉन पी माइनस थ्री एंड दिस इज फाइव लाप्लास इनवर्स वन अपॉन पी माइनस टू। ओके, तो वन अपॉन पी का इनवर्स लाप्लास कितना हुआ, दिस इज वन अपॉन टू इंटू वन प्लस फोर, वन अपॉन पी माइनस थ्री का हुआ ई टू द पावर थ्री टी एंड दिस इज फाइव बाई टू, और पी माइनस टू का हुआ ई टू द पावर टू। हमने देखा देगा कि हम बड़े आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन में इसी पे और मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपको और अच्छी तरह ये चीज क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्वेश्चन वाला है क्वेश्चन हमारा है दिस इज लाप्लास इनवर्स 2s स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 s माइनस 2 और s माइनस 4। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है s माइनस 4। तो सेम हमने भी क्या करा, इस समय भी हमारे पास फिर से क्या प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 चल रही है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 चल रही है। तो नियम के अनुसार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे हमारा दिस इज ए अपॉन एस प्लस वन, बी अपॉन
एस माइनस टू एंड सी अपॉन एस माइनस थ्री, और फिर हम यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन जनरल मेथड से अगर इन क्वेश्चन करते हैं तो काफी लंबे पड़ते हैं, लेकिन हमारे शॉर्टकट तरीके से हम इस चीज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करें। फिर से हमने क्या लिया, दिस इज टू एस स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एस प्लस वन, एस माइनस टू और एस माइनस थ्री। फर्स्ट वैल्यू को हमने कवर किया, नाउ दिस इज द एस प्लस वन। अगर s प्लस वन को मैंने अगर जीरो के इक्वल रखा तो s इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस वन को, उस माइनस वन को डिवाइडिंग के अंदर रख दें, कितना मिलेगा हमें, दिस इज टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ओके, सेकेंड वैल्यू को हम कवर करें तो सेकेंड वैल्यू मेरे पास कितनी है, s माइनस टू, एस माइनस टू को अगर हमने कवर किया तो s इक्वल टू कितना मिला हमें टू। ध्यान रखें जिसको भी हम कवर कर रहे हैं उसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे, एस इक्वल टू कितना मिलेगा टू, टू को हमने रखा तो कितना मिलेगा हमको ये, दिस इज टू, दिस इज टू स्क्वायर माइनस फोर, दिस इज टू प्लस वन एंड दिस इज टू माइनस थ्री। ठीक है, थर्ड वैल्यू को हम कवर करें, थर्ड वैल्यू मेरे पास कितनी है, एस माइनस थ्री, एस माइनस थ्री को अगर मैं कवर करूंगा कितना मिलेगा, एस इक्वल टू थ्री, एस इक्वल टू थ्री को मैं रखूंगा कितना मिलेगा, दिस टू थ्री स्क्वायर माइनस फोर, दिस इज थ्री प्लस वन एंड दिस इज थ्री माइनस टू। ओके, अब ये यहां पर कितना मिलेगा, दिस इज टू, टू माइनस फोर यानी कि माइनस टू। ठीक है, माइनस टू नीचे कितना मिल रहा है, दिस इज माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू फोर, माइनस थ्री इंटू माइनस फोर मेरे पास हो गया ट्वेल्व एंड दिस इज एस प्लस। ठीक है, सेकेंड वैल्यू को देखें, दिस इज टू एट, एट माइनस फोर यानी कि फोर, फोर नीचे कितना है थ्री, थ्री इंटू दिस यानी कि माइनस थ्री, तो थ्री एस माइनस टू। थर्ड वैल्यू को देखें, दिस इज योर नाइन, नाइन टू जा एटीन, एटीन इंट माइनस फोर यानी कि फोर्टीन, ऊपर आया मेरे पास फोर्टीन, नीचे कितना हुआ, दिस इज फोर यानी कि फोर, दिस इज एस माइनस थ्री। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया प्लस साइन, मैंने इसको कैंसिल किया टू, और दिस इज योर सेवन एंड दिस इज योर सिक्स। इनवर्स लाप्लास निकाल लें इसका, नाउ दिस इज द इनवर्स लाप्लास, टू एस स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एस प्लस वन, एस माइनस टू एंड दिस इज एस माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स, लाप्लास इनवर्स एस प्लस वन माइनस फोर अपॉन थ्री, लाप्लास इनवर्स एस माइनस टू एंड दिस इज सेवन बाय टू, लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस थ्री। ओके, तो अब देखिए बड़ी आसानी से हमने यहां पर ए बी सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका इनवर्स लाप्लास कितना आएगा, दिस इज ई टू द पावर माइनस टी, दिस इज माइनस फोर अपॉन थ्री ई टू द पावर टू टी एंड दिस इज सेवन अपॉन टू e to the power 3t। बिल्कुल सिंपल हमने सॉल्व कर लिया। तो इन दोनों क्वेश्चन हमने क्या सीखा कि यदि मेरे पास टर्म लीनियर फैक्टर की फॉर्म में है तो बड़ी आसानी से हम उनका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन में बताऊंगा जो हमारे पास लीनियर फैक्टर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसे लीनियर बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है एस स्क्वायर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस फोर, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। और आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, टू है, और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी चल रही है हमारे पास, फोर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। आप देखेंगे कि मैं एस स्क्वायर प्लस वन के भी फैक्टर नहीं जानता हूं, एस स्क्वायर प्लस फोर के भी फैक्टर नहीं जानता हूं, तो नियम हमारे पास ये कहता है कि हमें इसको लिखना चाहिए कुछ इस प्रकार से, ऐसा कैसे लिखना चाहिए हमें, दिस इज ए एस
प्लस बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन और सी एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। नाउ देयर आर सो लेंथी प्रॉब्लम, अगर इसको हम इस प्रकार से निकालते, लेकिन हम जो आपको मेथड बताने जा रहे हैं उससे बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एस स्क्वायर इक्वल टू पी, क्या है एस स्क्वायर इक्वल टू पी है, तो बच्चों ये क्या मिलेगा, दिस इज अ पी प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय पी प्लस वन और पी प्लस फोर, हमें ये टर्म मिल जाएगी। अब देखेंगे हमारे पास पी प्लस वन और पी प्लस फोर जो है वो एक लीनियर फैक्टर की फॉर्म में है, तो हम बड़ी आसानी से हम यहाँ पर पहले एबीसी निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या करा, पी प्लस वन को हमने यहां करा कवर, तो p इक्वल टू कितना मिला माइनस वन, माइनस वन को मैंने ऊपर रखा, माइनस वन प्लस सिक्स एंड दिस इज माइनस वन प्लस फोर। सेकेंड हमने p प्लस फोर को कवर किया तो p इक्वल टू कितना मिला माइनस फोर, माइनस फोर रखा तो माइनस फोर प्लस सिक्स अपॉन माइनस फोर प्लस वन। ओके तो ये कितना मिलेगा फाइव, ये कितना मिलेगा थ्री, कितना आ गया मेरे पास, दिस इज फाइव अपॉन, दिस इज फाइव अपॉन थ्री पी प्लस वन, ये कितना मिला मुझे टू, ये और ये कितना मिला मुझे माइनस थ्री, कितना दिखाएगा दिखाएगा हमारे पास, दिस इज माइनस टू अपॉन थ्री पी प्लस फोर। ओके अब जो हमने यहां पर p की वैल्यू हमने माना था उसको वापस हम यहां पर रख देते हैं, तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज एस स्क्वायर प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन एस स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री एस स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन थ्री वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस। अब हम इसका इनवर्स लाप्लास बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे, क्या होगा, दिस इज द लाप्लास इनवर्स एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस स्क्वायर प्लस वन एस स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू फाइव बाय थ्री लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस टू बाय थ्री लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब क्या करें हम इसका, नाउ दिस इज 5 बाय 3, नाउ दिस इज योर sin t, इसका इनवर्स लाप्लास कितना होता है sin t, और इसका इनवर्स लाप्लास कितना होता है 2 अपॉन 3 into sin 2t बाय 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, तो फाइनली 1 अपॉन 3 मैंने कॉमन निकाला, आंसर मेरे पास आ गया 5 sin t into sin 2t। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको क्या बताया कि यदि मेरे पास टर्म सारे के सारे का सेम पावर की है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन हमने ये सीखा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा सिखाऊंगा, हो सकता है कि मेरे पास ऊपर एस स्क्वायर ना हो और नीचे मेरे पास सारे टर्म एस स्क्वायर के फॉर्म में हो, उसको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी पे बेस्ड, दिस इज लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें इस क्वेश्चन का इनवर्स लाप्लास निकालना है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने पिछले क्वेश्चन में एस स्क्वायर इक्वल टू हमने पी ले लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास क्या होगा कि s इक्वल टू अंडर रूट पी हो जाएगा, समझ गए, तो हम ऐसा इसमें नहीं करेंगे। तो फिर करता क्या है, क्योंकि अगर ये जनरल तरीके से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा, इसको फिर मुझे लिखना पड़ेगा, दिस इज ए एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस सी एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी, इस तरीके से मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़े से ट्रिकी तरीके से इसको समझते हैं, तो देखिए ध्यान से किस प्रकार से हमारा ट्रिक्स लगेगा इसके अंदर,
हमारे पास है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि इस एस को निकाल देते हैं बाहर और अंदर मेरे पास क्या होता है, दिस इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि हम अभी इस एस पे कोई काम नहीं करेंगे लेकिन अंदर वाले एस स्क्वायर पे काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम फिर से कवर कर लेते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी कि अगर हम एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यदि हम कवर करते हैं तो एस स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस ए स्क्वायर। उस माइनस ए स्क्वायर को रिमेनिंग ब्रैकेट वाले टर्म में लिख देंगे, बाहर वाले एस में नहीं लिखा है। तो मुझे यहां पर कितना मिलेगा, जैसे वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड को हम कवर करते हैं यानी कि एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे कितना मिलेगा एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर लिखा हुआ माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों से कॉमन कितना निकल रहा है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टर्म को पहले लिखते हैं और एस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एस अपॉन कितना आ गया एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए बड़ी आसानी से हमने अपना पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिया और कोई भी हमें परेशानी नहीं। ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जिस टर्म का हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसको मैं सिंपलीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को वहां से हटा दूंगा, लेकिन ध्यान रहे अगर रूल एप्लीकेबल है तो ही कर पाएंगे, अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे तो इस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका इनवर्स लाप्लास कितना लिखाएगा, दिस इज लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज अ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, दिस इज अ लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मेरे पास होगा दिस इज अ कॉस बी टी और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास होगा दिस इज अ कॉस ऑफ बी टी, ओके। इस प्रकार से हमने क्या करा कि हमने एबीसीडी ना निकाला, आसानी से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। और देखिए हम क्वेश्चन को और हम क्वेश्चन कौन से सॉल्व कर सकते हैं, एक और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन आपका ऐसा ले लेता हूं जिसमें हमारे पास ये रूल हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे लेकिन हमें फिर भी उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे इनवर्स लाप्लास निकालना है, लाप्लास इनवर्स निकालना है मुझे 6x² + 22s + 16 डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस 6x² + 11s + 6। हमें इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। अब लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म क्या है, पावर 3 है और न्यूमरेटर में पावर कितनी है 2 है। तो अगर नियम के अनुसार चले तो पहले हम ये देख लें क्या हम एस क्यूब प्लस 6x² + 11s + 6 के लीनियर फैक्टर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। देखिए हम किस प्रकार से होगा, Now this is s cube plus 6x² + 11s + 6। अगर मुझे कभी भी अगर क्यूबिक टर्म के लीनियर फैक्टर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे कि पहले कांस्टेंट टर्म को हम ले लेंगे उसके फैक्टर। तो 6 के फैक्टर मेरे पास क्या होंगे 1, 2, 3 एंड 6 और इसको हम प्लस माइनस फॉर्म में कंसिडर करेंगे।
अगर एक भी फैक्टर इसका लीनियर है तो बड़ी आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने यहां से s इक्वल टू वन रखिए देखा, तो वन ऑब्वियसली यहां पर हम कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो इसको कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं करने वाली है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस वन रख के देखते हैं, क्या माइनस वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज योर माइनस वन, दिस इज योर सिक्स, माइनस इलेवन एंड प्लस सिक्स, हम साफ साफ देख रहे हैं कि वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने एक्स इक्वल टू माइनस वन रखा है वो इसका एक रूट है। ठीक है, हमने जो भी लिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं एस प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि इसकी डिग्री थ्री है तो हम इस एस प्लस वन को थ्री टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, थ्री टाइम, यानी कि एस प्लस वन और बीच में हम कुछ गैप डाल देंगे एस प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इस एस में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एस क्यू आ जाए ऑब्वियसली एस स्क्वायर का, तो मेरे पास कितना आ गया, दिस इज एस क्यू प्लस एस स्क्वायर। कितना चाहिए मुझे, सिक्स का एस स्क्वायर, एक बार एस स्क्वायर आ चुका है तो बचा कितना मेरे पास, दिस इज द फाइव एस, नाउ दिस इज द फाइव एस स्क्वायर प्लस फाइव एस, चाहिए मुझे कितना, इलेवन एस, मेरे पास फाइव एस आ चुका है तो बचा कितना मेरे पास, ओनली सिक्स, मेरे पास कितना हो गया, दिस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। सिंपल है, पहले एक टर्म यहां से निकालो जो इसको सेटिस्फाई करे, उसको उस फैक्टर को उतनी बार लिख दो जितनी उसकी पावर हो, और फिर इसके बीच में गैप डालते हुए उन टर्म का मल्टीप्लाई करो जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये निकला कि मेरे पास एस प्लस वन कॉमन निकल गया और ये मेरे पास आ गया एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस सिक्स, और इसके वेक्टर मेरे पास हो गया एस प्लस वन, एस प्लस टू और एस प्लस थ्री। यानी कि मैं इस पूरी टर्म को लिख सकता हूं एस प्लस वन, एस प्लस टू और एस प्लस थ्री, इस तरीके से हमने निकालता हूं। क्या लिखेंगे बच्चों इसे, तो देयरफॉर दिस इज सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू एस प्लस 16 डिवाइडेड बाय एस प्लस वन, एस प्लस टू और एस प्लस थ्री। वन बाय वन हम कवर करें तो पहले वाले को हमने कवर किया तो हमारे पास कितना आया, दिस इज एस प्लस वन, यानी कि एस इक्वल टू माइनस वन, अभी ऊपर कितना आएगा मेरे पास, दिस इज द सिक्स माइनस 22 प्लस 16। ओके, नीचे कितना मेरे पास आ रहा है, मेरे पास है माइनस वन प्लस टू माइनस वन प्लस थ्री। ओके, सेकेंड टर्म मेरे पास क्या हो रही है, सेकेंड को अगर हम कवर करते हैं दिस इज एस प्लस टू, यानी कि एस इक्वल टू माइनस टू को रखूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, दिस इज सिक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू माइनस टू प्लस सिक्सटीन, दिस इज माइनस टू प्लस वन एंड दिस इज माइनस टू प्लस थ्री। ओके, अब थर्ड टर्म को हम कवर करते हैं तो मेरे पास है वैल्यू एस प्लस थ्री, एस इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस थ्री, तो मुझे कितना लिखाएगा, दिस इज सिक्स माइनस थ्री का स्क्वायर ट्वेंटी टू माइनस थ्री प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री प्लस वन एंड माइनस थ्री प्लस टू। आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में 22 में से ये दोनों चल रहा है तो ये वाला टर्म मेरे पास पूरा बन रहा है जीरो, दिस इज योर जीरो। सेकंड टर्म में कितना आ रहा है, दिस इज द 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 हमारे पास हो गया 40, 40 में से 44 गया तो हमारे पास बचा कितना माइनस 4, तो हमारे पास टर्म ऊपर आ गया दिस इज माइनस 4। ठीक है, नीचे कितना मिला माइनस 1, तो ये हो गया मेरा प्लस 1 यानी कि एस प्लस 2, यानी कि सेकंड टर्म ये मिल रही है एस प्लस टू। थर्ड टर्म होगा जिसे 54 प्लस 16 यानी कि ये हो गया मेरे पास 70 और ये हो गया मेरे पास 66 यानी कि ऊपर बचा मेरे पास 4। ओके, तो मैंने फिर से लिखा ऊपर 4, नीचे कितना बचा, दिस इज अ माइनस 2 एंड दिस इज अ माइनस 1 यानी कुल मिला के 2 यानी कि एस प्लस 3, तो 2 से हमने कैंसिल किया तो ये आ गया मेरे पास, यानी कि मेरे पास आ गया दिस इज 4 अपॉन एस प्लस टू एंड इज टू अपॉन एस प्लस। ओके, हम इसका बड़ी आसानी से इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं।
क्या करें बच्चों, यहाँ पर दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास हम मिले, तो दिस इज अ लाप्लास इनवर्स 6x² - 22s + 16 / s + 1 s + 2 s + 3 = 4 लाप्लास इनवर्स s प्लस टू एंड दिस इज 2 लाप्लास इनवर्स s प्लस 3 नाउ दिस इज 4 1 अपॉन s प्लस 2 का अगर इनवर्स लाप्लास निकालेंगे तो कितना आएगा e टू द पावर माइनस 2 एंड दिस इज 2 e टू द पावर माइनस 3। इस तरीके से हम हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने आज क्या सीखा, हमने यहाँ पर यह सीखा कि हम किस प्रकार से उन पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं जो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक परचेस कर सकते हैं जो दंपत राय पब्लिकेशन कंपनी से पब्लिश होती है। और यदि आपको पिछले साल के पेपर के सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.in। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।